الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير تو آج هم اس कोर्स का आगाज कर रहे हैं जिसमें हमें दुरूसुल लुगतिल अरबी तिल गैर नातकीना बिहा पढ़नी है। लेकिन कोर्स की इब्तिदा में मैं चाहता हूं कि मुझे आपका एक ब्रीफ थोड़ा वो होना चाहिए, मतलब वो इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि विद रिगार्ड टू अरबिक लैंग्वेज कि आप में से मतलब कुछ लोग होंगे जिन्होंने खुद पढ़ा होगा अरबिक लैंग्वेज के साथ, उनकी जो है उनका तजुर्बा अलग सा रहा होगा, और कुछ लोगों ने शायद असातिज़ा के पास पढ़ा होगा, और कुछ जो है कुछ आप में से जिन्होंने प्राइवेट स्कूल में पढ़ा होगा तो कम से कम वहां तो उनने कुछ शुद्ध तो उनको हासिल हो गई होगी। तो मैं चाहता हूँ कि आप मुझे ब्रीफली ये बताएं कि आप में से कोई, मतलब यह है कि जो जिसने बिगिनर्स लेवल जो है कवर की है। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। आप कौन? बिलाल अहमद। अच्छा, कहाँ से? मैं बर्षा नगर नटीपुरा। माशाल्लाह, वेलकम। एक्चुअली मैंने पढ़ा है जो दोनों किताबें हैं ये दुरुसुल लुगतुल अरबिया की, मैंने ये दो किताबें पढ़ी है। अच्छा, आपने ये दोनों पढ़ी हैं? जी जी जी। तो अब तीसरी पढ़नी बाकी है? तीसरी पढ़नी बाकी है जी। अच्छा, तो ये तो बहुत बड़ी बात है। आपने नाम बताया, बिलाल अहमद है? जी जी। ठीक है सर, बनाटी पूरा। और कोई? अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। मोहतरम, मैं जावेद अहमद मखदूमी तुजर शरीफ सोपोर से अर्ज कर रहा हूँ। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। जी, मैंने ये प्राइवेट स्कूल में अरबी पढ़ी है, थोड़ा बहुत कंसेप्ट है, या ऐसे ये किताब में जो है ये ऐसे नहीं पढ़ी है, मतलब वहाँ पे जो सिलेबस था उसी हिसाब से हमने पढ़ा। मैं भी उसी स्कूल का प्रोडक्ट हूँ, मुझे पता है वहाँ क्या सिलेबस, क्या पढ़ाते, कौन पढ़ाता था। आपने अमीन साहब के पास पढ़ा होगा मेरे ख्याल से, तुजर के जो अमीन साहब हैं। अमीन साहब तो हमारे टीचर नहीं रहे हैं, अलबत्ता उसके फादर जो अकबर साहब थे। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है ठीक है, चलिए कोई नहीं, कोई मसला नहीं। अच्छा, और कोई? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। सर, मैशन अरबियस जुर्मन कीन है। आप अपना नाम बताएं। एजाज़ अहमद वानी बोटिंग। अच्छा, एजाज़ अहमद वानी। ठीक सर, आपने नहीं पढ़ा है? सर, मैट्रिक तक थोड़ा पढ़ा है, तो उसके बाद नहीं। अच्छा, मैट्रिक तक थोड़ा थोड़ा। आपने निजाम साहब के पास पढ़ा होगा ना, थोड़ा थोड़ा, या किसी? नहीं, मुख्तलिफ उस्ताद थे तो वो नहीं था हमारा। हाँ अच्छा, चलिए कोई नहीं, आगे कोई है और? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। जी मैं महीउद्दीन बात, कश्मीर यूनिवर्सिटी से। अच्छा सर, ठीक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी जी, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र। तो मैंने लिखा भी आपको, बिल्कुल कुरानिक अरबिक पढ़ी है। अच्छा अच्छा, कुरानिक अरबिक पढ़ी है आपने? आपने खुद पढ़ी है या? जी जी, खुद पढ़ा है, बिल्कुल खुद पढ़ा है, तो उससे एक आइडिया लैंग्वेज का आ गया है। प्राइवेट स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में मैंने नहीं पढ़ा हूँ, मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा हूँ। अरबिक कहीं पढ़ी नहीं है किसी से, बस एक आइडिया है। जबर जीर के बगैर अगर हो तो मुश्किल होता है इसको। बिल्कुल बिल्कुल, सही बात है। तो पहले कुछ चैप्टर समझ सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ, लेकिन उतना ज्यादा नहीं। चलिए माशाल्लाह, कोई बात नहीं। और आगे जिन्होंने कुछ पढ़ा है वो बताएं, क्योंकि हमारा टाइम इस तरह जो है मतलब वेस्ट हो जाएगा। अगर किसी ने पढ़ा है तो वो बता दे, अगर किसी ने नहीं पढ़ा है तो उसके साथ तो कोई मसला नहीं है हमारा।
चलिए, शुड आई टेक इट के बाकी जो लोग हैं वो बिगिनर्स लेवल पे ही हैं? हाँ, बाकी सारे बिगिनर्स पे ही है, तकरीबन बिगिनर्स लेवल पे है तकरीबन सारे। सब स्टार्टिंग में ही है सर। चलिए, तो हमारे साथ जो है बिलाल साहब हैं जो थोड़ा एडवांस लेवल पर पहुंच चुके हैं, तो फिलहाल उन्होंने ज्वाइन किया है, तो हम देखते हैं इसके बारे में हम सोचेंगे। तो ये तो एक ये हो गया, क्या नाम है, मतलब एक हमारा जो अपना ये हो गया इंट्रोडक्शन। मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। मैं नासिर सनाउल्ला, मैं यहाँ सोपोर का एक गांव हरदिशवा से मेरा ताल्लुक है, और मैं इस वक्त सोपोर डिग्री कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर काम कर रहा हूँ, और वहाँ पे मैं अरबिक पढ़ाता हूँ। तो ये मेरा मुख्तसर सा तारुफ। तो अब इसके बाद हम जो जिस चीज की तरफ हम जाएंगे वो है जो किताब आपको पढ़नी है, दुरूस लुगत अरबियत लगैर नातिकीन बिहा। ये किताब लिखने वाला जो है ये इनका नाम है डॉक्टर फा अब्दुर्रहीम। तो ये फा अब्दुर्रहीम बेसिकली इंडिया के हैं, लेकिन फिर ये मदीना यूनिवर्सिटी चले गए, और मदीना यूनिवर्सिटी में इन्होंने बहुत जो है तकरीबन 20-25-30 साल तक उन्होंने काम किया है, और एक किताब लिखी है नॉन नेटिव्स के लिए, लगैर नातिकीन बिहा मीन्स उन लोगों के लिए जो अरबिक नहीं बोलते हैं, यानी नॉन नेटिव्स जो है अरबिक लैंग्वेज के, उनके लिए इसने एक किताब लिखी है। तीन जुज पर मुश्तमिल है, बहुत ही इम्पोर्टेंट किताब। इसको मदीना सीरीज के नाम से भी जानते हैं इसको, क्या नाम है इसको तकरीबन इस वक्त दुनिया के बेशतर ममालिक में इसको जो है सिलेबस में पढ़ाया जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक। इस बुक की एक खासियत ये है कि जनरली जब अरब पढ़ाई जाती थी तो उसको फाइल से शुरू किया जाता था, तो हम पढ़ते थे फ़ाइल माजी, फिर फ़ाइल मुदायरा, और इस तरह हम आगे बढ़ते थे। लेकिन फ़ाइल माजी की कुछ किस्में, और फिर फ़ाइल मुदायरा की किस्में, और फिर फ़ाइल अमर, फिर इसमें जो है बिगिनर्स फंस जाते थे, तो उनके लिए आगे बढ़ना जो है मुश्किल हो जाता था। इसलिए इन्होंने क्या किया, इसने कहा नहीं, कायदा तो ये होना चाहिए कि हम सिंपल टू कम्प्लेक्स जाएंगे, न कि फ्रॉम कम्प्लेक्स टू सिंपल। अरबिक में ये जो है क्या नाम है इसम पढ़ाना यानी नाउन पढ़ाना इजी है। क्यों ना हम नाउन ही पढ़ाए, पहले नाउन पढ़ाएंगे और फिर हम क्या पढ़ाएंगे, फिर हम फैल पढ़ाएंगे, फिर हम वर्ब पढ़ाएंगे, क्योंकि वर्ब पढ़ाना अरबिक में डिफिकल्ट है, वर्ब पढ़ना जो है ये डिफिकल्ट है, वर्ब समझना थोड़ा डिफिकल्ट है, इसके बहुत सारे मसाइल है। तो इसने वही कायदा अप्लाई किया इस किताब में, इसने इसम पढ़ाया, और इसम जो है आप इस पहले जुज में देखेंगे कि इसने आपको इसम के बारे में पढ़ाया, सिर्फ चंद वर्ब जो है इसमें इस्तेमाल हो गए हैं, जैसे इजहब, सॉरी उक्तुब, इकरा लिखो पढ़ो, और किसी जगह खड़ा जा वो चला गया, जहाबा वो गया वगैरह, ये इस्तेमाल हो गई है। तो बाकी तो इसने क्या किया, बाकी इसने सब जगह जो है इसने सिर्फ आसमा के बारे में इस पहले जुज में गुफ्तगु की है। ये इस किताब के बारे में एक मुख्तसर सा तारुफ था। तो आप इस किताब को थोड़ा सा पढ़ेंगे ध्यान से, तो आप इजीली उसको समझ पाएंगे, ये पहला जुज जो है इसको इजीली आप समझ पाएंगे इंशाल्लाह मुस्तान, ये आपके लिए कोई मसला खड़ा नहीं करेगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूं कि मैं आपको जरा कुछ अरबिक के बुनियादी चीजों के बारे में कुछ आपको बता दूं, ताकि हम जो है फिर आप जब अरबिक पढ़ेंगे तो उस वक्त कुछ चीजें होती हैं, कुछ पॉइंट्स होती हैं, बेसिक पॉइंट्स जो टेक्निकल मतलब वो होती हैं, तो आप उनको जब उनका नाम लिया जाता है तो बिगिनर्स को थोड़ा सा उनमें प्रॉब्लम हो जाती है। हम शुरू करेंगे
अरबिक लैंग्वेज का इंट्रोडक्शन देने के बजाय, क्योंकि आप तकरीबन सभी लोग आप जानते हैं अरबिक लैंग्वेज कहाँ कहाँ से है, कहाँ कहाँ बोली जाती है, कितने लोग इसको बोलते हैं और कितने ममालिक हैं, तो ये क्या नाम है, तो जानते ही हैं। लेकिन हम अल्फाबेट से शुरू करेंगे। पहला पॉइंट जो मैंने यहाँ लिखा है, द अरबिक अल्फाबेट, इसको इसको बोलते हैं अल अबजदियत अल अरबियत, द अरबिक अल्फाबेट इसको बोलते हैं अल अबजदियत अल 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 अरबियत। अल अबजदियत अल अरबियत में इसके बारे में एक एक चीज है कि कुछ लोग कहते हैं टोटल 28 हैं, कितने हैं 28, और कुछ कहते हैं कि भाई नहीं 28 तो है मगर क्या नाम है, कुछ कहते हैं कि भाई नहीं 29 है, और कुछ कहते हैं कि भाई 30 है। लेकिन स्टैंडर्ड व्यू यही है कि भाई टोटल जो है 28 है या 29, इन दो के बारे में ज्यादा लोग जो है बातें करते हैं, तो कहते हैं भाई टोटल अरबिक लेटर जो है या तो 28 है या तो 29 है, यानी 29 है। जो 28 कहते हैं बेसिकली वो क्या कहते हैं, उनका क्या मानना है कि अलिफ अलिफ और हमजा जो है ये दो नहीं, ये एक ही वर्ड है, एक ही ये लेटर है। अलिफ और हमजा क्या है, ये एक ही लेटर है, इसलिए वो कहते हैं कि भाई 28 है। और जो कहते हैं 29, वो कहते हैं नहीं ये तो दोनों दो, ये दो दो अलग अलग लेटर्स हैं, इसलिए उनको वो कहते हैं कि भाई ये 29 है। जो 30 कहने वाले हैं, 30 कहने वाले कहते हैं कि भाई एक तो ता है इस तरह जिसको हम कहते हैं फैली हुई ता, और दूसरा ये ता है जिसको आप बोलते हैं गोल ता। वो कहते हैं ये दो अलग अलग लेटर्स हैं, फैली हुई ता ए और गोल ता दो अलग अलग लेटर्स हैं, इसलिए वो इसको कितने गर्दानते हैं, इसको गर्दानते हैं कि भाई 30 है, देयर आर 30 लेटर्स इन अरबिक लैंग्वेज। तो अब हमें जो है इसके साथ कोई सरोकार नहीं है कि भाई 29 है, 30 है या 28 है, तो ये तो ऑलरेडी अंडरस्टूड है, इसके बारे में इख्तलाफ थोड़ा सा है, लेकिन 29 या 28 जो है स्टैंडर्ड ज्यादा माना जाता। अब यहां एक मसला खड़ा हो जाता है कि अरबिक लेटर जब आप लिखते हैं तो अरबिक लेटर चूंकि ये इंग्लिश की तरह अलग अलग नहीं, इस तरह नहीं, मिसाल आपको लिखना है फॉर एग्जाम्पल एप्पल, आप पी पी एल ई एप्पल, सारे पांच लेटर्स इसमें अलग अलग है, आप देखिए ई अलग है, एल अलग है, पी और दूसरा पी और ए, कोई एक दूसरे के साथ मिला हुआ नहीं है। लेकिन अगर आप इसी एप्पल को लिखेंगे फॉर एग्जाम्पल इसकी मीनिंग लिखेंगे अरबिक में, तो इसको बोलते हैं तुफाह, इसको बोलते हैं तुफाह। अब देखिए तुफाह में यहां भी चार लेटर्स है, ता फा अलिफ और हा, तुफाह। तो तुफाह में ये देखिए तीन लेटर्स मिले हुए हैं और सिर्फ एक अलग है, सिर्फ एक अलग है। अब हमारे लिए क्वेश्चन खड़ा हो जाता है, अगर अरबिक जुबान के कलमात जो हैं उसमें अगर दो लेटर्स होंगे या तीन या चार होंगे तो वो लिख मिले हुए होते हैं, कोई एक अलग क्यों होता है, ये क्या वजह है, अब हम इस पे जरा गौर करेंगे। देखिए सारे, याद रखिए आप कि सारे जो हैं अरबिक ये क्या नाम है लेटर जो हैं ये अरबिक, इनको एक दूसरे के साथ मिलाकर लिखा जाता है, एक्सेप्ट सिक्स। वो कौन कौन है, वो है जैसे ऊपर आपने देखा, नंबर एक आलिफ, क्योंकि तुफाहुन आपने फा के बाद अलिफ लिखा तो अलिफ के बाद जो हा लिखना था हमने उसको हम अलग लिखा, क्योंकि अलिफ के बाद आने वाला लेटर जो है उसको अलिफ के साथ अटैच नहीं लिखा जा सकता है,
एलिफ उसको अपने साथ अटैच नहीं होने देता है, इसलिए हम इसको अलग लिखते हैं। तो पहला लेटर जो अरबिक जुबान, ये अरबिक अल्फाबेट्स का अल्फाबेट का है, वो हम अलिफ ही लिखते हैं। और उसमें क्या है कि भाई जब आप किसी कलमे में अलिफ लिखेंगे तो आप उसके बाद आने वाले लेटर को डिटैच करके लिखेंगे, अलग उसको लिखेंगे, वो किसी वो अलिफ के साथ मिला हुआ नहीं होगा, अलिफ के साथ मिला हुआ नहीं होगा। यह है एक अलिफ। और इसी तरह आप दूसरा देखिए, दाल, अगर आप दाल वाला कोई ऐसा कलमा लिखेंगे जिसमें है फॉर एग्जांपल दाल है, तो आप क्या लिखेंगे, फॉर एग्जांपल दीक, दीकुर मीनस रोस्टर, दीकुर मीनस या कॉक मुर्गा, दीक। यहां देखिए आप, दीक में तीन हर्फ है लेकिन दाल अलग है और याकीफ एक साथ जुड़े हुए हैं, मिले हुए हैं। दाल जो है दाल अलग लिखा गया, क्योंकि दाल भी अपने बाद आने वाले किसी लेटर को अटैच नहीं होने देता है, इसलिए दाल भी जो है इसको भी अलग लिखते हैं। इसी तरह दाल के बाद दाल, दाल के बाद है दाल, ये दाल भी इसी तरह का वर्ड है। अगर आप मशहूर जो वर्ड आप सारे लोग जानते होंगे, जिक्रुन, जिक्रुर रहमान, अल्लाह का जिक्र, जिक्र दाल और कीफ और रा, जिक्र दाल कीफ और रा। यहां भी आप देखेंगे कीफ और रा तो हमने एक साथ लिखा लेकिन जाल हमने अलग लिखा। इसी तरह से एक एक वर्ड और आता है जिसका जो क्या है, जो जिसको हम बोलते हैं रा, ये भी इसके साथ भी यही मसला है। और इसके साथ भी एक वर्ड और है जिसको बोलते हैं जा, ने दाल जाल रा जा, या उर्दू में हम पढ़ेंगे दाल जाल रे जे। तो ये चारों जो है एक साथ, जो एक ही जगह है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, एक ही जगह, ये चारों अपने बाद आने वाले किसी कलमे को, किसी हर्फ को अटैच नहीं होने देते। अगर आप फॉर एग्जाम्पल एक सिंपल एक एक वर्ड लिखेंगे जो आप सभी लोग जानते हैं, मिसाल रब्बुन, आप देखेंगे रा अलग लिखा गया, बा अलग लिखा गया, जैसे इंग्लिश की तरह रब्बुन। अदरवाइज ये अरबिक का कायदा नहीं है, लेकिन रा चूंकि उस जनरल उसूल को फॉलो नहीं करता, इसलिए क्या होता है, इसलिए रा को अलग लिखना पड़ा और बा को अलग, यानी इन दो लेटर्स को डिटैच करके लिखना पड़ा। इसी तरह जाय के साथ भी है। और एक लास्ट है कलमा जो आप इसके बारे में उर्दू में भी शायद वाकिफ हैं, वो है वाव। ये वाव भी इसी तरह है कि आपने बाद आने वाले किसी लेटर को अटैच नहीं होने देता है। फॉर एग्जांपल आप लिखेंगे एक एक वर्ड जिसको आप सभी लोग जानते हैं, वजू, वाव ज़ाद वाव और हमजा, वजू। पहले वाव को देखिए, वाव उसके बाद जौद आना था लेकिन अलग लिखा गया, जौद के साथ मिलाकर लिखा गया वाव, लेकिन फिर हमजा लिखना था तो वाव ने उसको अलग कर दिया तो हमजा भी अलग लिखा गया, तो वजू, दो वाव आ गए, इसलिए एक कलमा तीन हिस्सों में डिवाइड हो गया। एक कलमा कितने हिस्सों में डिवाइड हो गया, तीन हिस्सों में डिवाइड हो गया। तो आप इसको याद रखिए कि अरबी के सारे लेटर जो हैं, अरबी के सारे लेटर या मैं कहूंगा अल्फाबेट जो हैं, उनके साथ ये मसला है कि भाई वो जब उनसे कलमात आप बनाएंगे तो उनको एक दूसरे के साथ अटैच लिखेंगे, एक्सेप्ट दी सिक्स, एक्सेप्ट दीस, हाँ, अलिफ दाल जाल रा जा एक जगह आता है और फिर वाव। ये छह लेटर्स हैं ऐसे कि अगर आप इनको किसी कलमे में आप इनको इस्तेमाल करें तो उसके बाद आपको नेसेसरली दूसरा कलमा, दूसरा हर्फ जो लिखना होगा, दूसरा लेटर, मैं वर्ड नहीं बोल रहा हूं, मैं लेटर बोल रहा हूं, उसी कलमे का, उसी वर्ड का लेटर, तो आप उसको अलग करके लिखेंगे। जैसे मैंने कुछ मिसालें दे दी, इसको भी इनको भी जरा जरा मद्देनजर रखें आप। इसके बाद आइए अब हम अलिफ पर जरा एक जो है थोड़ा सा गुफ्तगु करेंगे। ये अलिफ क्या है, अलिफ जो है, अलिफ इसके
दो पर्पज आते हैं, ये दो पर्पज के लिए आता है अरबिक में, दो पर्पज के लिए आता है अरबिक में। एक क्या है? एक वो है कि भाई इससे पहले कोई हरफ था उसके ऊपर फतहतुन थी यानी जबर थी, जैसे मिसाल के तौर पर हम लिखेंगे बा और उसके ऊपर जबर डालेंगे, सॉरी बा जबर बा, तो जब आप उसको पढ़ते हैं ये एक होता है बा जबर बा, बा जबर बा। लेकिन अब अगर इसी साउंड को, बा साउंड को आपको क्या करना है, आपको इसको जरा जरा जो है खींचना है, जरा इसको प्रोलॉन्ग करना है, आपको जरा जरा खींच कर इसको पढ़ना है, तो आप इसके साथ एक अलिफ अटैच करते हैं, ये बनता है बा, बा साउंड क्या बन गया बा। इसी तरह अगर जीम के ऊपर जबर है तो उसको पढ़ेंगे हम जा जा, लेकिन अगर अलिफ मिलाएंगे उसके साथ तो बनेगा जा। मीम जबर मा, अगर अलिफ मिलाएंगे उसके साथ तो बनता है मा। यह है इसका एक पर्पस। और दूसरा पर्पस जो है वो है कि ये जो है एज बियरर, बियरर ऑफ, एज बियरर ऑफ हमजा भी काम करता है, बियरर ऑफ हमजा यानी इसके ऊपर आप कुरान भी पढ़ते हैं, क्योंकि हमारा कुरान जो यहाँ है उसको उसमें जो है हमारे बरसगीर के इसका ख्याल रखा गया है, क्योंकि हम अरबिक नहीं जानते थे इसलिए वहां जो है हमजा और हमजतुल वसल इसके दरमियान कोई फर्क वहां महसूस नहीं होती है। आप अलिफ के ऊपर सिंपली देखते हैं जबर लिखी हुई है, हालांकि ये कायदा गलत है। अलिफ जो है ये अलिफ ये अलिफ जो है ये क्या नाम है, एक ऐसा लेटर है जो न जबर कबूल करेगा न जेर कबूल करेगा न पेश कबूल करेगा, इट इज वॉवललेस। आप इसको लिख के रखिए अगर आपके पास कॉपी कलम है, इट इज वॉवललेस। अलिफ के ऊपर न जबर जेर न पेश कुछ नहीं है, ये वॉवललेस होता है, वॉवल मीन्स विदाउट हरकत। ये सिर्फ ही दो, इन दो पर्पस के लिए आएगा, एक तो हमजा के लिए, हमजा का बियरर यानी हमजा की कुर्सी के तौर पे इस्तेमाल होगा, क्योंकि हमजा इसके ऊपर लिखी जाती है या इसके नीचे लिखी जाती है। बाकी ये अपनी इसकी क्या, अपनी इसकी ये नहीं है कि इसके ऊपर जबर या जेर डालते हैं। बहरहाल हम इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे हमजतुल वसल किसको बोलते हैं, हमजतुल कातिक किसको बोलते हैं, इंशाल्लाह ताला वहां में इसकी गुफ्तगू जो है ज्यादा ये करूंगा अच्छी तरीके से। तो यहां मैं ये आपको बता दूं कि यहां जो हमारे पास जो ये है क्या नाम है ये अलिफ जो है इसके ऊपर आप इस तरह आप इसको ऐसे लिखते हैं अलिफ के ऊपर हमजा, या आप इस तरह लिखेंगे अलिफ के नीचे हमजा। ये थोड़ा लग रहा है कम है तो आपको शायद दिखाई नहीं दे रहा हो जो मोबाइल में है, ये आपको दिया। आप देखिए अलिफ के ऊपर हमजा लिखा गया, अलिफ के नीचे हमजा। अलिफ के ऊपर हमजा होने का मतलब यह है कि इसके ऊपर जबर है, सिंपली आप याद रखिए, जब अलिफ के ऊपर हमजा है तो इसके इसका मतलब यह कि इसके ऊपर जबर है, अगर अलिफ के नीचे हमजा है तो इसका मतलब यह है कि इसके नीचे जेर है, इसके नीचे जेर है। तो ये रहा आपका आपका जो है क्या नाम है, ये आपका पहला पॉइंट था यानी अरबिक अल्फाबेट्स के बारे में। अब इन अल्फाबेट्स के बारे में एक और चीज जो याद आपको समझनी है वो है शेप्स ऑफ द अरबिक लेटर्स, जो हम दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं पढ़ने जा रहे हैं। ये शेप्स ऑफ द अरबिक लेटर्स जो है ये इंग्लिश की तरह नहीं है कि भाई एक तो कैपिटल है और स्मॉल है बस, नहीं, यहां तो तीन किस्म के इसको इसकी शेप्स हैं। एक जिसको हम बोलते हैं इनिशियल, इनिशियल यानी अगर ये किसी कलमे के बिगिनिंग में आ जाए तो उस वक्त इसकी शेप क्या रहेगी, और फिर है इसकी दूसरी मीडियल, मीडियल यानी वस्त में अगर आ जाए, बीच में अगर आ जाए तो उस वक्त इसको कैसे लिखा जाएगा, और तीसरा है फाइनल या टर्मिनल, फाइनल फाइनल शेप यानी अगर ये कलमे के आखिर में आ जाए तो इसकी क्या
इसकी क्या शेप होगी, क्योंकि हम उर्दू बैकग्राउंड से हैं सभी लोग, तो ये मसला जो है हमारे लिए कोई ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम नहीं खड़ा करता है। सब लोग आप में से अल्हम्दुलिल्लाह सारे लोग कुरान पढ़ते हैं, तो सारे लोग इसको समझ लेते हैं, सारे लोग। इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट सीखने का था बस वो वही था जो मैंने ऊपर बोला कि अलिफ दाल जाल राजा और वाव जो है उनको हम उनके बाद आने वाले किसी भी हरफ को हम डिटैच करके लिखते हैं, बाकी कोई बड़ा मसला नहीं है। ये तो आप आराम से जो है आप इसको समझ लेते हैं। लेकिन तीसरा पॉइंट जो है ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसको उर्दू के साथ कोई लेना देना नहीं है, यह है तीसरा पॉइंट, द वोवेल साइलेंस, अशक्ल या अल हरका, अल हरका। हम किसी भी लेटर को साउंड देने के लिए हम उसके ऊपर या उसके नीचे एक हरकत डालते हैं जिनका नाम है जबर, उर्दू में हम कहते हैं जबर, जेर और पेश। लेकिन साइन क्या है, साइन उनकी आप उनको पहचानते कहते हैं, ये किसी के अलिफ के ऊपर या बा के ऊपर जबर नहीं लिखी जाती, जा बा रे जबर नहीं, एक साइन है उसकी, एक अलामत है उसकी। वो अलामत क्या है ये देखिए आप, फॉर एग्जाम्पल मैं एक एक वर्ड लिखता हूं जीम, अब इस जीम के ऊपर मैं एक जबर डालता हूं, ये है इसका स्ट्रोक। इसी तरह मैं जीम ही लिखूंगा और इसके नीचे मैं एक स्ट्रोक डालता हूं, ये है जेर। इसी तरह मैं जीम लिखूंगा और इसके ऊपर मैं एक पेश डालता हूं, तो ये है तीन, जबर जेर और पेश जो है ये हैं वो चीजें, वो अलामतें जिनको आप उर्दू में जबर जेर पेश के नाम से जानते हैं, जबर जेर पेश के नाम से जानते हैं। अब हम ये देखेंगे कि इस जबर को अरबी में कहते क्या हैं। देखिए मैं उर्दू, चूंकि उर्दू कीबोर्ड मेरा इसमें नहीं है तो मैं इंग्लिश में लिखूंगा, जेड ए बी आर जबर। इसको अरबी में, अरबी नाम इसका क्या है, अरबी नाम है इसका फतहतुन, अरबी नाम है फतहतुन, फतहतुन, फतहतुन। हम कहते हैं अगर आपको कहना है कि इस लेटर के ऊपर जबर है तो आप अरबी में कहते हैं कि इस लेटर के ऊपर फतहतुन है, इस लेटर के ऊपर फतहतुन है, इसको फतहतुन नाम कहते हैं अरबी में। लेकिन अलामत वही है जो मैंने ऊपर बता दी, और जबर के बाद आती है जेर। जेर तो जेर को कहते हैं हम कसरतुन, क्या कहते हैं कसरतुन, कसरतुन मीन्स जेर, ठीक है, शाबाश। और तीसरा पॉइंट, तीसरा जो है उसको पेश, पेश इसको हम बोलते हैं अरबिक में जम्मतुन, क्या बोलते हैं, नीम के ऊपर तजदीद आएगी जम्मतुन। सो आज के बाद आप याद रखेंगे फतहतुन, कसरतुन और जम्मतुन। उर्दू में अगर आप पढ़ेंगे तो जबर जेर पेश से काम चलेगा, लेकिन फतहतुन जम्मतुन कसरतुन से आपको आगे एडवांस लेवल में बहुत फायदा मिलेगा। जरा इसको इसको जो है नोट करके रखिए, फतहतुन कसरतुन और जम्मतुन, फतहतुन मीन्स जबर, कसरतुन मीन्स जेर और जम्मतुन मीन्स पेश, जम्मतुन मीन्स पेश। तो ये है वो तीन चीज। अब आप सवाल कर सकते हैं कि भाई किसी किसी कलमे पर, तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ जीम लिखता हूं, जीम के ऊपर एक साउंड ऐसी होती है ये मॉडर्न अरबिक में गोल होता है, एक एक छोटा सा एक दायरा होता है, लेकिन प्राणी अरबिक में क्या है, प्राणी अरबिक में एक एक मतलब वो जो है जिसको आप वो जज्म बोलते हैं, एक, एक एक वो साइन होती है जिसको आप क्या बोलते हैं, जज इस तरह की एक ये होती है, इस तरह की साइन है जो आप अरबिक में देखेंगे या कुरान पाक में आप जनरली देखेंगे। कुरान पाक में आप शायद ही देखेंगे किसी जगह किसी लेटर के ऊपर
क्या है, किसी लेटर के ऊपर गोल गोल दायरा है। अदरवाइज ये गोल दायरा जो है ये इस जो दूसरी साइन मैंने दिखा दी उसके कायम मुकाम है, आज सिर्फ गोल दायरा लिखे हैं वो नहीं लिखते हैं। इसका नाम क्या है? इसका नाम है, इसको बोलते हैं सुकून, सीन की फानून सुकून, इसको बोलते हैं सुकून, या उर्दू में आप सिंपली आप इसको जज़्म भी बोलते हैं, जज़्म भी बोलते हैं, अदरवाइज इसका नाम सुकून है। Why is it called सुकून? एक मसला ये हमारे लिए खड़ा हो जाता है कि इसको सुकून क्यों कहते हैं? सुकून means because it is vowelless. It is vowelless. आप generally कहते हैं, पहले मुझे ये बताएं, हमारे पास चार मिनट रह गए, हमें इसके बाद सेकंड सेशन करना है, कंटिन्यू। हेलो सर, मेरे ख्याल से आधा घंटा ठीक रहेगा, क्योंकि थोड़ा सीखना भी है अच्छी तरह से। हमने जैसे आप कहेंगे, आई एम रेडी फॉर, मेरी अपनी राय है, बाकी हजरत जो है वो अपनी राय दे सकते हैं। बिल्कुल, ज्यादा भी नहीं होने की। देखिए, हफ्ते में ये एक ही क्लास होती है, मुझे लगता है अपना टाइम लीजिए, बापिन बहुत टाइम आपके पास है पढ़ने के लिए। ये हर दिन क्लास नहीं होती है ना, हफ्ते में सिर्फ एक दिन होगी, एक ही दिन होती है। इसे अगर 40 मिनट हो तो चलो, हम चूंकि ये जूम पे तो 40-35 मिनट इसकी कैद है, 40 मिनट की कैद है, तो मेरे ख्याल से अब हमारे पास 3 मिनट रह गए। अगर आप चाहते हैं तो मैं 10 मिनट हम नया सेशन नया सेशन में शुरू करूंगा, तो 10 मिनट उसमें आपको 10-15 मिनट या आधा घंटा हम उसमें देखेंगे इंशाल्लाह ताला। चलिए सर, तो जज़्म इसको बोलते हैं। तो जनरली अगर आपसे सवाल कोई पूछे कि अरबिक में हरकत कितने हैं, हरकतुन सिंगुलर है, ये जो यहाँ पे कर्सर है हरकतुन सिंगुलर है, और हरकत इसका प्लूरल आता है, हरकतुन सिंगुलर इसका प्लूरल आता है हरकत। अगर आपसे कोई सवाल करे कि हरकत कितने हैं, तो आप उसको बोलते हैं हरकत तीन है, जबर ज़ेर और पेश, इसका दूसरा नाम शक्ल भी है, इसका दूसरा नाम शक्ल भी है। तो अगर आपसे कोई पूछता है, चूंकि शक्ल तो यहां, तो हम शक्ल से तो वाकिफ नहीं है लेकिन हरकत से वाकिफ हैं, कितने हरकत है जबर ज़ेर पेश, तो सवाल खड़ा हो जाता है कि भाई अगर जबर ज़ेर पेश तीन हरकतें हैं तो ये सुकून क्या है, ये सुकून क्या है? अगर तीन ही हरकतें हैं तो सुकून क्या है? सुकून है बेसिकली absence of harka, ये हरकत नहीं, ये तो absence of harka है। यानी जब आप कहते हैं कि भाई इस कलमे पे सुकून है, it means ना इसके ऊपर जबर है, ना इसके ऊपर जेर है, और ना इसके ऊपर पेश है। अब एक मामूली सा पॉइंट, इसको जरा मद्देनजर रखिए, जबर और पेश को लेटर के ऊपर लिखा जाता है, जबकि जेर को लेटर के नीचे लिखा जाता है, जेर को लेटर के नीचे लिखा जाता है। लेकिन मॉडर्न अरबिक में क्या है कि जेर को भी हरफ के ऊपर लिखा जाता है, कब? जब इस हरफ के ऊपर तशदीद हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक 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 वर्ड है जिसमें आपको फॉर एग्जाम्पल लिखना है एक ऐसा वर्ड, फॉर एग्जाम्पल मैं लिखूंगा मुकस्सिर, मो नीम पेश मो काब जबर का सीन के ऊपर तशदीद और जेर, अब देखिए ये सीन के ऊपर आ गई मुकस्सिर, तो ये तशदीद के नीचे जेर जो ये जो आ गई, इसको आप जबर नहीं पढ़ेंगे, इसको आप जेर पढ़ेंगे। मैं यहीं पे फर्स्ट सेशन जो है खत्म करता हूँ, मैं दूसरे सेशन के लिए आप वेट कीजिए, हम उसमें इंशाल्लाह ताला आगे जो चीजें हैं उनको पढ़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम।